सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में आप सभी के सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा, आई एम धनंजय। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट असिस्टेंट में टोटल कितने फॉर्म्स भरे गए थे, आप सभी में से कई ऐसे कैंडिडेट्स को पता भी नहीं होगा। तो यहां पर एक कैंडिडेट ने लास्ट टाइम रजिस्ट्रेशन किया था, जो लास्ट डेट थी उस टाइम पे ऊपर शो करता है कि कितने का रजिस्ट्रेशन अभी तक किए गए थे। तो वहां पर 260,000 के करीब ऐसा कुछ शो कर रहा था, ठीक है, कुछ ऐसे ही नंबर्स थे। तो ओवरऑल आप ये मानो कि इन टोटल नंबर्स में आपके लगभग जो 30,000 जो फॉर्म है वो आपके फॉर्म जो होंगे वो रिजेक्ट हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन फी वगैरह कंप्लीट करी नहीं होगी, किसी का कुछ ऐसा इश्यू होगा, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रह गया होगा। तो 30,000 अगर आप ऐसे निकाल दो तो आपके उसके बाद बचते हैं 230,000। अब इसके बाद आप ये मान लो कि मिनिमम आपके 20,000 ऐसे बच्चे होंगे जो फॉर्म जो एग्जाम देने नहीं आएंगे, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन मिनिमम 20,000 तो आपके होंगे ही होंगे। तो ओवरऑल आपकी जो नंबर वो लगभग 210,000 के करीब आ जाती है। अब ये 210,000 जो है ये ओवरऑल बच्चे ऐसे हैं जो आपका एग्जाम भी देंगे और आपके साथ फाइट करेंगे कट ऑफ को लेके, ठीक है। साथ ही टाइपिंग टेस्ट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं। टोटल 210,000 आपके कैंडिडेट जो है आपसे भी एग्जाम देंगे, 210 वैकेंसी है। अगर आप डिवाइड करोगे तो एक बच्चा, मतलब 1,000 कैंडिडेट्स में आपको एक बच्चा कोई ऐसा होगा जो सिलेक्ट होगा। तो आपको 1,000 बच्चों में सबसे ऊपर आना है तभी आप अपना सिलेक्शन कंफर्म कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो तो आप बिल्कुल भी सिलेक्शन कंफर्म नहीं कर पाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, और इसके लिए क्या है, सबसे पहली चीज मैं बार बार बता चुका हूं कि CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइपिंग टेस्ट, और आपको ये चीजें अभी समझ में आ भी रही होंगी। तो आप अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए, टाइपिंग टेस्ट अगर आप निकाल लोगे तो कहीं ना कहीं आपसे भी डिस्क्रिप्टिव के लिए पास हो जाओगे। तो अभी मेन जो फोकस है वो टाइपिंग पे रखिए। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो सफिशियंट है, और CBT में आप आराम से, बिल्कुल भी पैनिक मत करिएगा, आराम से करिएगा, आप इजिली मार्क्स स्कोर भी कर लोगे। टाइपिंग में बस थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि टाइपिंग में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो फेल हो जाते हैं। तो ओवरऑल 1,000 कैंडिडेट्स में अगर आपको पास होना है तो आपको उनसे कुछ बेहतर करके भी दिखाना होगा, कुछ हटके सोचना भी होगा, तभी आप इस एग्जाम को निकाल पाओगे। और एक चीज आपको करनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि एनालिसिस जो है वो आप सभी को 26 और 27 को आपको जरूर दिया जाएगा। बाकी जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी उसके बारे में, साथ ही टाइपिंग के बारे में भी आपको पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया जाएगा, तो जरूर करिए। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करिए, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।